अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मैं अपनी ये वाली वीडियो स्पेशली अपने सरकारी मुलाजमीन के लिए लेके आया हूँ, जो कि अपना जीपी फंड कैलकुलेट करना चाहते हैं या उनको जानना चाहते हैं कि जीपी फंड के ऊपर इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज मैं आपके लिए एक कैलकुलेटर लेके आया हूँ, जिसको मैंने स्पेशली जीपी फंड कैलकुलेट करने के लिए डिज़ाइन किया है। इसके अंदर आप सिंपली तीन वैल्यूज़ एंटर करके अपना नए साल का जो आपका इंटरेस्ट डाल के जो आपका नया जीपी फंड का बैलेंस बन रहा है, वो आप यहां से मालूम कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल क्राफ्टी क्रिएटर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर, ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो बिना आपका वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, और मैं ये कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। और इस कैलकुलेटर के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे वैल्यूज़ पुट इन करनी है, और उन वैल्यूज़ को एंटर करने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ें कैलकुलेट करके ये आपको दिखा देगा। यहाँ पे सिंपली आपको तीन वैल्यूज़ एंटर करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। हर ईयर का इंटरेस्ट रेट हुकूमत न्यू मुख्तस करती है, तो इस साल का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपने एंटर करना है। इसके अलावा आपने यहाँ पे अपने जो सी मंथली डिडक्शन होती है, जो आपके पे में से जितने पैसे कटिंग होते हैं जीपी फंड की मद में, वो यहाँ पे एंटर कर देने हैं। पर मंथ जो आपकी कटिंग होती है एक मंथ की, आपने यहाँ पे एंटर करने। इसके अलावा आपका जो प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस था जीपी फंड का, जो आपको जीपी फंड स्लिप के अंदर भी आपको पुरानी स्लिप के अंदर मौजूद होगा, वहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस था। इस दफ़ा इस साल का ये ओपनिंग बैलेंस आपका होगा, आपने बस यहाँ पे वो एंटर कर देना है। तो जब ये तीनों वैल्यू एंटर करेंगे तो सब कुछ चीज़ें खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरेस्ट रेट हमें कैसे पता लगेगा कि इस साल का इंटरेस्ट रेट क्या है। अगर तो आपको जीपी फंड स्लिप मिल चुकी है, जो आपको दायरे की तरफ से मिलती है, उसके अंदर जीपी फंड का इंटरेस्ट रेट जो लेटेस्ट होता है, जिसके ऊपर आपका जीपी फंड कैलकुलेट किया जाता है, वो वहाँ पे लिखा होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसा कर लें कि गूगल के ऊपर आ जाएं। गूगल के ऊपर आपने सिंपली यहाँ पे जीपी फंड इंटरेस्ट रेट 2019-20 आपने सर्च कर लेना है। तो ये देखें, आपके सामने इस साल का इंटरेस्ट रेट आ गया है, जो कि 12% है। पिछले साल ये 14.35% था, लेकिन इस साल इसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है। तो आपने 12% के हिसाब से ही कैलकुलेट करना है। तो ये आपको यहाँ से वैल्यू मिल गई है, पहली वैल्यू आपने यहाँ से इंटर कर देनी है 12। यहाँ पे 12 आपने इंटर कर दिया। सेकंड नंबर के ऊपर जो आपको पे के अंदर से मंथली डिडक्शन होती है जीपी फंड की मद में, वो आपने इंटर कर देनी है। हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि किसी एम्प्लॉय की 1140 हो रही है, तो हम यहाँ पर 1140 इंटर कर देते हैं। इसके बाद आपने अपना प्रीवियस ईयर का जो साहब का जीपी फंड का बैलेंस था, वो आपने लिख देना है, जो आपका इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा, लास्ट ईयर का वो क्लोजिंग बैलेंस था, यहाँ पे आपने वो एंटर कर देना है। सपोज हम कुछ भी वैल्यूज के अंदर एंटर कर लेते हैं। ये देखें, मैंने ये एक वैल्यू एंटर की है। तो ये देखें, इसको खुद ब खुद सारी चीज़ें कैलकुलेट होकर आ गई हैं। इसके अंदर आपको सोच रहे होंगे कि ये कौन कौन से कॉलम है, तो मैं आपको ये भी एलिब्रेट कर देता हूँ कि ये जो सब पहले नंबर के ऊपर जो कैलकुलेट करके दिया है इसने प्रीवियस ईयर का जो आपको बैलेंस था, जो हमने 52,267 यहाँ पर कैलकुलेट किया है, उसके ऊपर 12% टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट होकर आपके सामने आ गया है। इसका फार्मूला भी आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे जब, तो आपको पास फार्मूला भी इसका शो हो जाएगा। ये देखें, इसका पास आपका फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत ये कैलकुलेट किया गया है। इसके अलावा आपको जहाँ से हर महीने के अंदर जो आपको डिडक्शन होती है, इसके ऊपर डिफरेंट फार्मूला होता है कि एक मंथ लेस इसमें से कर दिया जाता है। यहाँ पर देखें, आप पहले कॉलम के अंदर 12 से मल्टीप्लाई किया है, नेक्स्ट में 11 से किया है, इस तरह ये ग्रेजुअली कम होता होता लास्ट में आके 1 रह जाता है। ये जो हर महीने का आपका जीपी फंड बना है, वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा, और ये टोटल भी आपके पूरे साल के जो टोटल बनता है, वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब आपका जो है जो पूरे साल का 1140 के हिसाब से जितना भी आपका जीपी फंड यहाँ पे कलेक्ट हुआ है, वो यहाँ पे आपके पास एक कॉलम के अंदर आ जाएगा। तो इसके अलावा आपका जो प्रॉफिट पूरे ईयर का बना है, वो यहाँ पे आ जाएगा। और तो पूरे साल का जो आपका जीपी फंड कलेक्ट हुआ है और जिसके ऊपर प्रॉफिट लगा है, वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा। ये आपको लास्ट में जो सा ये बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो बैलेंस जो हो रहा है, ये आपका न्यू बैलेंस है, जो कि आपका 30 जून 2020 तक का जो जीपी फंड की पोजीशन है वो शो कर रहा है। यानी कि जो आपको प्रीवियस ईयर का ये तो बैलेंस था, और अब एक आपका करंट बैलेंस जो है ये है।
तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये छोटी सी कॉविश पसंद आई होगी। ये वाला कैलकुलेटर आपके पास वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये कैलकुलेटर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।